ज्वाइन फास्ट। ज्वाइन फास्ट। स्टूडेंट्स ज्वाइन फास्ट। ओके वी विल स्टार्ट नाउ। ओके यस्टरडे दैट मीन्स इन अवर लास्ट क्लास वी सीन अडैप्टेशन इन एनिमल्स दैट मीन वी सीन दैट इन अडैप्टेशन फिश हमने क्या किया था, फिश की डाइवर्सिटी हमने देखी थी, है ना। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, फिश की डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। ऑल्सो यू हैव टू लेबल ऑन द डायग्राम। ओके ऑल्सो इन अवर लास्ट क्लास वी सीन अडाप्टेशन फॉर इंजेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। हर प्लांट्स का फूड और हर प्लांट्स की डाइवर्सिटी कैसे होती है ये हमने देखी थी। ऑल्सो वी सीन इन अवर लास्ट क्लास रीजन ऑफ ऑल प्लांट्स। ओके टुडे वी हैव टू सी अडैप्टेशन इन एनिमल्स डक। ओके डक का अडैप्टेशन हमें देखना है। एज द फ्रॉग एंड डक हैव वेब्ड टोज दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ओर्स। एज द फ्रॉग एंड डक हैव वेब्ड टोज। फ्रॉग एंड डक के टोज कैसे होते हैं, वेब्ड टोज होते हैं ना। वेब वेब मीन्स व्हाट, this is called as a web toes, this is a web toes, dikhai de yahan pe dekho, these are the web toes, jointed toes hote na, this is called as a web toes. So as the frog and duck have web toes they can use their legs like oars. wo uski legs kaise use karte hai, like oars, oars ke jaise wo kya karte hai uske legs use karte hai. Water flows off the waxy feathers of birds like duck and water hen. Water flows off the waxy feathers of birds like duck and water hen. Duck and water hen के feathers कैसे होते हैं, waxy feathers होते हैं। You know that what is meant by waxy feathers? Waxy feathers के ऊपर जब पानी गिरा तो वो क्या होता है, feather से ऊपर से flow होता है, वो feather के ऊपर कलेक्ट नहीं होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ वैक्सी फेदर्स। वेब टोज स्लीपरी स्मूथ स्किन एंड अ ट्राइंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग्स टू स्विम इजीली थ्रू वाटर। हाँ वेब टोज आर स्लीपरी स्मूथ स्किन एंड अ ट्राइंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग टू स्विम इजीली थ्रू वाटर। फ्रॉग फ्रॉग का हेड कैसे होता है, ट्राइंगुलर हेड होता है ना फ्रॉग का, दैट्स वाई फ्रॉग स्विम इजिली थ्रू वाटर। दे कैन लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू द स्किन इन वाटर एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन लैंड। वो पानी में भी लीव करते हैं, मतलब पानी में भी वो रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं पानी में वो, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू द स्किन इन वाटर। वाटर में क्या होता है, उनके विद द हेल्प ऑफ स्किन, डक एंड फ्रॉग के स्किन से वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्किन दे ब्रीदिंग। एंड ऑन लैंड, लैंड में वो क्या करते हैं, मतलब लैंड के ऊपर वो क्या करते हैं, लंग्स से वो क्या करते हैं, नोज एंड लंग्स के, लंग्स से वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। The typical color of a frog's back help it to hide among grasses. The typical color of a frog's back help it to hide among grasses. Frog का जो back का color होता है ना वो कैसा होता है, typical color होता है, इसलिए वो grasses में क्या होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते जल्दी से, वो क्या होते हैं grasses में hide होते हैं। Make a list of the names of some other amphibians you may know and study their adaptations. आपको क्या करना है, ऐसे ही कुछ animals की list करनी है and you have to list their animals and study their adaptations. Adaptation in forest and grassland animals. फॉरेस्ट में adaptation कैसा होता है and grassland में animals का adaptation कैसे होता है,
देखेंगे हम। कार्निवोरस एनिमल्स लाइक द वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर एंड लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। कार्निवोरस एनिमल्स लाइक द वाइल्ड डॉग, अभी कार्निवोरस एनिमल्स मतलब क्या, वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर एंड लायन हैव अ स्ट्रॉन्ग लेग्स, उनकी लेग्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे, फास्ट रनिंग के लिए एंड उनका प्रे, प्रे मतलब क्या, भक्ष्य, उनका जो खाना होता है ना वो कैप्चर करने के लिए उनकी लेग्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव अ क्लॉज एंड देयर कैनिन टीथ, कैनिन मतलब शार्प टीथ, टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड, उनके कैनिन टिप, कैनिन टिप मतलब आई विल शो यू विच आर कैनिन टिप, दिस इज कॉल्ड एज कैनिन टिप टिथ, दिस वन एंड दिस वन इज द कैनिन टिथ। सो देयर कैनिन टिथ आर शार्प एंड पॉइंटेड, वॉट इज द फंक्शन ऑफ सच टिथ, वो जो टिथ है उनके कैनिन टिप, उनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है उनका, आप बताओ कैनिन टिथ का फंक्शन क्या है, कैनिन टिथ से वो क्या करते हैं, उनका जो प्रे है वो प्रे जल्दी से पकड़ सकते हैं और उस प्रे को वो जल्दी से फाड़ सकते हैं और खा सकते हैं। टाइगर्स हैव पैडेड पॉज, टाइगर के पॉज कैसे होते हैं, पैडेड होते हैं, दिस एनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट ईजीली। टाइगर, अभी आपने कैट को देखा होगा, कैट के जैसे पॉज होते हैं सेम एज इट इज टाइगर के पॉज होते हैं, सेम एज इट इज टाइगर के पॉज होते हैं, और उस पॉज का यूज क्या है, मला का, ठीक है, उस टाइगर के पैडेड पॉज का यूज क्या है, दिस अनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट इजीली, मतलब उनके पैडेड पॉज है वो क्या होते हैं, पॉज से वो साइलेंटली उस प्रे के पास जा सकते हैं, स्लोली उनके पैर जो है, पैर का आवाज़ नहीं आता है टाइगर के पैर का, जैसे हम चलते हैं ना, हम जब चलते हैं तब हमारे पैर का आवाज़, हमारे पैर की आवाज़ आती है ना, वैसे टाइगर के पाँव कैसे होते हैं, पैडेड होते हैं, दैट्स वाई जब वो चलते हैं तो उनका आवाज़ बिल्कुल नहीं आता है, तो प्रे पकड़ने के लिए वो उनको बहुत ईजी होता है। सो दिस पैडेड पॉज अनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट ईजीली। द आईज ऑफ प्रेडेटरी कार्निवोरस आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड, उनके आईज कैसे होते हैं, आईज आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द हेड, हेड के वहाँ उनके आईज क्या होते हैं, लोकेट होते हैं, इट हेल्प्स देम टू स्टॉप देयर प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंसेज, इट हेल्प्स देम टू स्पॉट देयर प्रेज फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंसेज, लॉन्ग डिस्टेंस तक उनका प्रे जो है वो उनको दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ द जो उनके आईज लोकेट होते हैं ना हेड के ऊपर, दैट्स वाई उनको बहुत दूर का दिखाई देता है। द आईज ऑफ हर्बीवोरस आर बिलो द फोरहेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, हर्बीवोरस एनिमल्स के आईज कैसे होते हैं, द आईज ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स बिलो द फोरहेड, फोरहेड के बिलो उनके आईज होते हैं, दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन विच हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स, मतलब जो भी उनका एनिमी है वो एनिमी से बचने के लिए उनके आईज कैसे होते हैं, वाइड एंगल विजन में होते हैं, देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टैपरिंग विद स्ट्रॉन्ग हूव्स, उनके लेग्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, है ना, ऐसे लॉन्ग लेग्स होते हैं उनके, देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टैपरिंग विद स्ट्रॉन्ग हूव्स एंड टैपरिंग विद, ये हुज है उनके, है ना, हुज, HOOVES, हुज, विच एनेबल्स देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लिप्स,
देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन रिसीव साउंड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड डिफरेंट डायरेक्शंस. डियर एंड ब्लैक बक्स हैव कलर्स दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स. देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर चीविंग टफ प्लांट्स मटेरियल. उनके टीथ कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं फॉर चीविंग के लिए, जोर से चबाने के लिए उनके टीथ कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड टफ होते हैं, क्योंकि टफ प्लांट मटेरियल खाने के लिए उनके टीथ कैसे होते हैं, टफ होते हैं. अडाप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स. डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीवर स्कैरसिटी ऑफ वाटर. डेजर्ट एनिमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीवर स्कैरसिटी ऑफ वाटर. जहाँ पे पानी की बहुत कमतरता है वहाँ पे डेजर्ट एनिमल क्या करते हैं, रहते हैं. हेंस डेजर्ट एनिमल्स हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. डेजर्ट एनिमल्स हैव अ थिक स्किन. डेजर्ट एनिमल की स्किन कैसे होती है, थिक्स होती है, थिक. To prevent loss of water from the body, मतलब sun rays से, with the help of sun rays से क्या होता है, पानी का absorption ज़्यादा होता है ना. और desert region में क्या होता है, ज़्यादा desert region कैसे होता है, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है. That's why वहाँ पर पानी का absorption जल्दी से होता है. So desert animal में जो animals है उनकी skin कैसे होती है, बहुत ही जाड़, जैसे बहुत ही थिक स्किन होती है उनकी. तो पानी का प्रिवेंशन, देर आर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड क्यूशॉइंट सोल्स. उनके लेग्स कैसे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्यूशॉइंट सोल्स. उनके सोल्स कैसे होते हैं, क्यूशॉइन. The nostrils are protected by folds of skin. उनके nostrils कैसे होते हैं, their nostrils are protected by folds of skin. उनके nostrils क्या होते हैं, fold होते हैं, है ना. The nostrils are protected by folds of skin. The eyelashes are long and thick. उनके eyelashes कैसे होते हैं, these are the eyelashes. उनके eyelashes कैसे होते हैं, थिक होते हैं आईलैशेस. रैट्स, स्नेक्स, स्पाइडर्स, लिजार्ड इन डेजर्ट लीव इन द बरोज ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट. रैट्स, स्नेक्स, स्पाइडर, लिजार्ड इन डेजर्ट लीव इन डीप बरोज. बहुत डीप बरोज में वो क्या होते हैं, डीप बरोज में क्या होते हैं, रहते हैं. जस्ट अ मिनट. So rats, snakes, spiders, lizards
इंस डेजर्ट लिव इन दीप बरोज ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट. और वो डे टाइम में क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द हेवी सन रेस, वो क्या करते हैं दिन में, वो बरोज में रहते हैं, और मतलब डे टाइम में वो बरोज में रहते हैं, और नाइट में वो क्या होते हैं, जब ठंड ठंड हवा निकलती ना बाहर, तब वो क्या करते हैं, नाइट टाइम में बरोज से बाहर आते हैं और वो एक्टिव होते हैं. अडाप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन्स. स्नोवी रीजन्स में अडाप्टेशन कैसा होता है एनिमल्स का, वो हम देखेंगे. दीज आर द एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन. ये स्नोवी रीजन्स में रहते हैं एनिमल्स. पोलर बियर, याक आर द स्नोवी एनिमल्स. फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड इमेजेस ऑफ एनिमल्स लाइक याक, पोलर बियर, व्हाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की डॉग एंड स्नो लेपर्ड. कंपेयर दिस इमेजेस विद दोज ऑफ सिमिलर एनिमल्स फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. आपको क्या करना है, इंटरनेट पे इमेजेस डाउनलोड करने हैं एनिमल्स के, लाइक याक, पोलर बियर, व्हाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की डॉग एंड स्नो लेपर्ड. अ व्हाइट और सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन. व्हाइट और सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्नोवी रीजन एनिमल्स. स्नोवी रीजन एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका कलर कैसे होता है, व्हाइट कलर होता है और सिल्वर कलर होता है उनका, एंड उनके बॉडी के ऊपर लॉन्ग एंड थिक हेयर होते हैं. बिकॉज वहाँ पे ठंड रीजन है ना, वहाँ पे ठंडी बहुत होती है ना, इसलिए उनको बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए उनके बॉडी के ऊपर लॉन्ग एंड थिक हेयर होते हैं. अडाप्टेशन इन एरियल एनिमल्स. दीज आर द एरियल एनिमल्स. दीज आर दिस वन इज द एरियल एनिमल्स. दैट मीन्स एरियल मतलब क्या, जो हवा में उड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, एरियल एनिमल्स कहते हैं. द स्पिंडल, दैट मीन बर्ड्स को एरियल एनिमल्स कहते हैं. द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो मिनिमाइजेस द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग. बर्ड्स का शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है बर्ड्स का. सो स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो मिनिमाइजेस द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग. जो एयर का रेजिस्टेंस होता है वो कम करने के लिए और फ्लाई करने के लिए बर्ड्स के बॉडी का शेप कैसे होता है, स्पिंडल शेप होता है. With hollow bones, a body covering of feathers and modification of forelegs into wings, their body is light in weight and adapted for flying. With hollow bones, उनके bones कैसे होते हैं, hollow होते हैं, and a body covering of feathers and modification of forelegs into wings, their body is light in weight. उनकी body कैसे होती है, light होती है weight के लिए, because of the उनके feathers covered होते हैं, and उनके forelegs का modification किस में होता है, wings में होता है, क्योंकि wings are help to birds for flying. एंड उनके बोन्स कैसे होते हैं, होलो होते हैं, वो ज़्यादा वेटेड नहीं होते, लाइट वेटेड उनके बोन्स होते हैं. दैट्स वाई बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर. द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो इज लाइट इन अ वेट एंड टेपर्स एट बोथ एंड्स. उनकी बॉडी कैसे होती है, लाइट वेटेड होती है. They can fly with two pairs of wings and also walk with six stick-like legs. They can fly with two pairs of wings and also walk with six stick-like legs. They can walk. वो कैसे walk करते हैं? Sorry, they can fly with two pairs. वो
टू पेयर से, दैट मीन्स दे हैव अ टू विंग्स ना, वन एंड टू, दे हैव अ टू विंग्स, दैट्स वाई दे कैन फ्लाई विथ टू पेयर ऑफ विंग्स एंड ऑल्सो वॉक विथ सिक्स स्टिक्स लाइक लेग्स. और उनके लेग्स कैसे है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लॉज. ये बर्ड्स के लेग्स होते हैं, दैट मीन्स उनको क्लॉज बोलते हैं. इस क्लॉज से वो क्या करते हैं, वॉक करते हैं, चलते हैं. Bats can fly with the help of the patagium, a thin fold of skin between their forelegs and hind legs. Bat कैसे fly करते हैं, with the help of patagium, a thin fold of skin. उनकी skin कैसे होती है, thin होती है and folded skin होती है उनकी, between their forelegs and hind legs. Hind legs and forelegs के बीच में उनकी skin होती है और वो patagium होता है. Observe the various birds and insect in your area. You have to observe the various birds and insect in your areas. Adaptation in reptiles. अभी reptiles में adaptation कैसा होता है? Observe from a distance how snake and earthworm creep. अभी आपको ऑब्जर्व करना है स्नेक एंड अर्थवर्म कैसे क्रीपिंग करते हैं. विच ऑर्गन्स डू दे यूज़ फॉर क्रीपिंग. क्रीपिंग के लिए वो कौन से ऑर्गन्स यूज़ करते हैं. आर देर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पस. कुछ स्पेशल चेंजेस हैं उनकी बॉडी में क्रीपिंग के लिए. नो, नॉट सच एनी चेंजेस. एनिमल्स लाइक हाउस लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल यूज़ देयर मसल्स फॉर क्रीपिंग. उनके मसल्स को ही वो क्या करते हैं, दीज आर द लिजर्ड, उनके मसल्स को ही वो क्या करते हैं, क्रीपिंग के लिए यूज़ करते हैं. सिमिलरली दे शो अडेप्टेशंस इन स्किन सोल्स ऑफ फीट. वो क्या करते हैं, अडेप्टेशन के लिए उनकी स्किन एंड सोल्स ऑफ फीट, बॉडी कलर एट्सेट्रा यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजर्ड एंड मॉनिटर लिजर्ड हैव क्लॉ टोज एंड थीन सोल्स, वेयर एज स्नेक्स हैव अ स्केली स्किन. स्नेक्स को कैसे स्किन होती है, स्केली स्किन होती है. स्नेक्स की स्किन कैसी है, स्केली है. अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स. We can categorize animals as herbivorous and carnivorous. हम animals का adaptation कैसे करते हैं, herbivorous and carnivorous animals से, animals के help से करते हैं. Special adaptations are seen in each category to make the process of feeding easy. We will discuss this in greater detail in the chapter of nutrition. Nutrition में हम क्या देखेंगे, ये जो animals है उनका, उनके food के और nutrition के बारे में देखेंगे. Watch the programs on channels like National Geographic Wild, Discovery to learn about the feeding habits of animals like frogs, snakes, birds, mosquitoes, butterfly, etc. आपको क्या करना है, कुछ चैनल्स प्रोग्राम्स देखने हैं लाइक नेशनल ज्योग्राफिक, वाइल्ड, डिस्कवरी जैसे आपको चैनल्स देखने हैं. उनमें क्या दिखाई देते हैं, एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स, न्यूली एनिमल्स दिखाई देखते हैं और उनका फूड भी हमें वो दिखाते हैं. वो कैसे रहते हैं, उनका अडेप्टेशन कैसे है, वो सब उस चैनल में दिखाई देता है. कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. अभी ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है, बहुत ईजी चार्ट है ये. हाँ, अडाप्टेशन, एनिमल, यूज ऑफ अडाप्टेशन, शार्प टीथ किसके होते हैं, लायन टाइगर के होते हैं. यूज़ क्या है शार्प टीथ का, टू टीयर द फ्लेश टीयर करने के लिए. लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक किसकी होती है, शॉर्ट बीक किसकी होती है, लॉन्ग एंड स्टिकी टंग किसकी होती है एंड लॉन्ग नेक किसका होता है. वो एनिमल्स के नाम लिखने हैं एंड यूज़ ऑफ देयर अडाप्टेशंस आपको लिखना है. टुडे यू हैव टू राइट डाउन दिस चार्ट एंड सेंड इट टू मी. अडाप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स. वी कैन नॉट ईजिली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजार्ड एंड ग्रास होपर. हमें आपको पता है कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजार्ड, ग्रास होपर हम फास्टली ईजिली पकड़ सकते हैं क्या, नहीं. दे गेट कॉमोफ्लैक्ड
amidst grasses, parts of plants like stem, leaves, flower, etc. वो क्या करते हैं, कॉमीफ्लैग्ड एडमिस्ट ग्रासेस, मतलब क्या कि वो ग्रासेस में, फ्लावर्स में, प्लांट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में वो क्या करते हैं, छुपते हैं, क्योंकि वो किसी को दिखाई न दे. दैट इज़ बिकॉज देयर कलर्स ब्लेंड विद दोज ऑफ देयर सराउंडिंग. दैट इज़ वाई उनका जो कलर है सराउंडिंग से मैच मतलब मैच हुआ है, मतलब जो भी वो सराउंडिंग में कहाँ भी जाए तो उनका कलर क्या होता है, सराउंडिंग में मैच होता है. वो किसी को जल्दी से फास्ट से हम पकड़ नहीं सकते, बटरफ्लाइज को, लिजर्ड को, ग्रास होपर को, है ना. चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट एनेबल्स देम टू लीव, फीड, रिप्रोड्यूस, टू perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surroundings, depending upon the habitat and its geographical conditions are called adaptation. Geographical conditions में सारे animals को, birds को, insects को, also plants को क्या किया है, naturally वो क्या है, उनके बॉडीज़ में या फिर उनके बिहेवियर में क्या है, चेंजेस है, उनके अडेप्टेशन में बहुत सारे चेंजेस है ज्योग्राफिकल रीजन्स के वजह से, या फिर सराउंडिंग में जो कुछ एनिमीज है उनके, उनसे प्रोटेक्शन मिलने के लिए. दीज ऑल आर कॉल्ड एज अडेप्टेशंस. उन सबको मिला के क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं. राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन विच आई से यू नाउ. Depending upon the habitat and its geographical conditions are called adaptations. Okay? ये definition आपको adaptation की लिखनी है. Depending upon the habitat and its geographical condition are called as adaptations. Classification of living organisms. It is different to study and remember all the organisms in this diverse living world at the same time. Classification helps in with this respect. Different scientists have used different criteria and independently classified plants and animals. Different scientists ne kya kiya hai animals aur plants mein, plants के रिसर्च में डिफरेंट क्राइटेरिया किया है, क्लासिफाई किया है. द हायरार्की इज फॉर्म इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट्स विथ किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लैनेटी. फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन बेसिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. दिस इज कॉल्ड द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. मतलब हर एक साइंटिस्ट में, दैट मीन डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया है, उनके खुद के रिसर्च के ऊपर डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया है प्लांट्स और एनिमल्स में. सो दिस डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में उनके ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स हुए हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं. दिस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन बेसिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. दिस इज कॉल्ड एज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. उसको ही क्या बोलते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. जो डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंसिएशंस है प्लांट्स और एनिमल्स में, उसको ही क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं. बायनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस. इमेजिन दैट देर आर फोर स्टूडेंट्स विद अ नेम कबीर और किरण इन अ क्लासरूम. क्लासरूम में कबीर और किरण दो बच्चे हैं. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ देम, हाउ वुड यू एंश्योर दैट अदर्स नो विच वन ऑफ देम यू आर टॉकिंग अबाउट विदाउट एनी कन्फ्यूजन. वी वुड टेल द फुल नेम, दैट इज द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम. दिस इज सिमिलर टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर. अभी वॉट इज मीन बाय बायनोमियल नोमेनक्लेचर, उन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया है, कबीर और किरण का एग्जाम्पल दिया है. इफ़ अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इफ़ अभी एक बच्चे का नाम है रोहन, दूसरे बच्चे का भी नाम है रोहन नाम है. अभी मैंने कॉल, मतलब क्लासरूम में मैंने उनको कॉल किया, या फिर अटेंडेंस के लिए मैंने उनको आवाज़ दी, रोहन
तो दो रोहन क्या करेंगे, प्रेजेंट टीचर ऐसा बोलेंगे, है ना। पहला भी रोहन बोलेगा और दूसरा भी रोहन बोलेगा, लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि ये रोहन कौन सा है और वो रोहन कैसा है? बिकॉज ऑफ उनके जो सरनेम्स है, सरनेम्स के ऊपर से हमें पता चलेगा कि ये रोहन ये है और वो रोहन ये है। दैट मीन्स उनके सरनेम डिफरेंट हो गए। कभी कभी कैसा होगा, सरनेम सेम होते हैं और नाम अलग अलग होते हैं, है ना। सो दीज आर द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ कार्ल लीनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिजम्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दैट मीन उसका नाम हो या फिर कुछ भी नोमेनक्लेचर हो, वो आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। अकॉर्डिंगली अ साइंटिफिक नेम हैज़ बीन असाइंड टू ईच ऑर्गेनिजम्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट ऑफ जीनियस एंड सेकेंड पार्ट इज स्पेसीज। फर्स्ट पार्ट कैसा होता है नोमेनक्लेचर में, जीनियस होता है, और सेकेंड पार्ट स्पेसीज होता है। ऑल आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स हैव बीन असाइंड ऑफ बाइनोमियल नेम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पेसीज आर सो सिमिलर दैट इस पर्स्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस इन कलर, हाइट, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स, दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्स एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डोमेस्टिक कैट्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू द सेम स्पेसीज। द सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ एनिमल्स लाइक हेन, काउ, डॉग एट्सेट्रा, एंड प्लांट्स लाइक मैंगो, वीट, मेज एट्सेट्रा। मतलब सारे जो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनकी उनका जीनस एक होता है, दैट मीन्स उनका नाम एक होता है। अभी मैंगो, मैंगो के बहुत सारे स्पेसीज है ना, बहुत सारे स्पेसीज है। मतलब मैंगो के अभी मैंगो के मैंगो एक एक जीनस है, मतलब मैंगो एक नाम है। लेकिन जब हम बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार में जब हम जाते हैं, तो बाज़ार में जाने के बाद हमें पता चलता है, अरे हमने मैंगो को मतलब बोला कि चलो एक एक डज़न हमें मैंगो चाहिए, है ना। तो हम कैसे बोलेंगे, वो आप हमें बोलेंगे कि आपको कौन सा मैंगो चाहिए, देवगढ़ चाहिए, हपूस चाहिए, लालबाग चाहिए, तोतापुरी चाहिए, कौन सा मैंगो चाहिए आपको। हियर आर द डिफरेंट स्पेसीज ऑफ मैंगोज, हमारे यहाँ मैंगो के बहुत सारे प्रकार हैं, आपको कौन सा मैंगो चाहिए बोलो। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है ना मैंगो को, मैंगो के। दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेसीज ऑफ द मैंगोज। अभी राइस का भी वैसा ही है, राइस के भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है ना। बासमती है, अंबे मोहर है, दीज आर द वेरियस स्पेसीज इन ऑल्सो वीट एंड राइस, है ना। दीज आर द स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स। ओके, समझ में आया। एंड हर एक प्लांट का एक नाम होता है, लाइक मैंने बोला मैंगो, और मैंगो में बहुत सारे उनके स्पेसीज होते हैं। सो मैंगो इज द जीनस एंड द दीज आर द मैंगो स्पेसीज। दिस इज कॉल्ड एज अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस ने क्या किया था, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सर्च किया था। अंडरस्टूड, अवर लेसन इज फिनिश टूडे। इफ एनी क्वेरीज, एनी प्रॉब्लम, आस्क मी। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ क्वेरीज है, प्लीज़ मैसेज मी और आस्क मी। Understood? All lesson are understood? Okay. Today you have to solve the exercise. All exercise आपको क्या करनी है, solve करनी है. Okay? पूरी exercise आपको क्या करनी है, solve करके मुझे देनी है आज. Okay? If any queries, any problem in question and answers or reasons, please ask me. Bye all of you. Goodbye. We will stop here.